नमस्कार, आप सभी का वीडियो टीवी भारत में स्वागत है। ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट में जिस्म फरोशी और नशे का कारोबार भी चलता था। रिजॉर्ट का संचालक पुलकित आर्य महिला कर्मचारियों पर बुरी नीयत रखता था। वह कर्मचारियों के साथ मारपीट भी करता था। वहीं वेतन मांगने पर कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाकर काम से निकाल देता था। रिजॉर्ट में पूर्व में काम करने वाली दंपत्ति ने इस मामले का बड़ा खुलासा किया है। मेरठ के साकेत निवासी पति पत्नी करीब दो महीने पहले गंगा भोगपुर स्थित वनंतरा रिजॉर्ट को छोड़कर आ गए थे। बताया जा रहा है कि रिजॉर्ट में लड़कियों को बुलाया जाता था। पुलकित आर्य और मैनेजर अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता इन लड़कियों की रजिस्टर में एंट्री करने से मना करता था। उन्होंने कहा कि इन लड़कियों को ग्राहकों के कमरे में भेजा जाता था, खास ग्राहकों की भी रजिस्टर में एंट्री नहीं होती थी। विवेक ने बताया कि पुलकित आर्य बहुत ही गुस्सैल प्रवृत्ति का है। वह कर्मचारियों से मारपीट करता था। बताया गया है कि पुलकित आर्य ने एक बार उनके साथ भी मारपीट की थी। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को खौफनाक तरीके से अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के कारनामों के बारे में मेरठ की एक बहू ने भी उजागर किया है। सिविल लाइंस क्षेत्र की रहने वाली इस महिला ने बताया कि ये पूर्व मंत्री के रिजॉर्ट में ढाई महीने मैनेजर थी। उन्हें कई बार परेशान किया गया। वह अपने पति को लेकर वहां से खुद को बचाकर लौटी है। उन्होंने बताया कि रिजॉर्ट में लड़कियों को लाकर उनसे दरिंदगी होती थी। इस खबर से जुड़े अपडेट के लिए वीडियो टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।